माता सीता मैया मेरे सपने में आई, वो बोली कि मेरे पति के नाम पर लूट लिया भाजपा ने, सिर्फ पति के नाम पर भाजपा लूट रही है। बताइए, अग्निवीर बना दिए गए हैं, 4 साल 5 साल में अपने घर पे आ जाएंगे, तो जाटों के लिए क्या अच्छा किया है ये बता दीजिए मुझे आप। सबसे बड़ी बात है, जाटों और किसानों के बच्चों की एक शादी तक नहीं हो रही है आज की डेट में। गांव में चले जाइए आप तो वो अग्निवीर हैं, उनके बच्चों की शादी भी नहीं हो रही है। अलीगढ़ के राजा महेंद्र सिंह पार्क में, और यहां पर आप देख सकते हैं कुछ लोग पतित पावन सीताराम का गीत का गुणगान करते हुए नजर आ रहे हैं, और पीछे लगी हुई है भारत माता की एक तस्वीर जिसपे पुष्प अर्पित कर रहे हैं सभी लोग, और फिर भज प्यारे तू सीताराम का गांधी जी का गीत गाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, आइए बात करते हैं उनसे कि आखिर ये क्या प्रोग्राम चल रहा है। सतीश शर्मा मेरा नाम है जी। शर्मा जी, क्या प्रोग्राम चल रहा है पीछे? यहाँ प्रोग्राम चल रहा है कि जो संजय सिंह हमारे फर्जी तरीके से गिरफ्तारी की है संजय सिंह जी की, न कोई सबूत है न कोई साक्ष्य है, और मोदी जी ने ईडी के द्वारा जो है उन्हें गिरफ्तार कर रखा है, जेल में डाल रखा है काफ़ी समय से, और छोड़ा नहीं जा रहा है। उसके लिए जेल से ही आह्वान किया गया है कि शुक्रवार को एक दिन के लिए अपवास के लिए आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में बैठेगी, तो वही हम यहाँ बैठे हुए हैं, फूल अर्पित कर रहे हैं भारत माता की तस्वीर पर, और एक दिन के उपवास के लिए बैठे हुए हैं। तो कितने लोगों की संख्या, कुछ चुनिंदा पदाधिकारियों के लिए आह्वान किया गया था या सभी कार्यकर्ताओं? वो सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के लिए। तो लगभग कितनी भारी संख्या लग रही है, कितने लोग हैं? वो हर जिले में बैठ रहे हैं, जगह जगह बैठ रहे हैं साहब, यहाँ पर 50-40 लोग करीबन बैठे हुए हैं। मांग यही है कि हम मोदी जी से कहना हमारा ये है कि संजय सिंह जी को छोड़ा जाए, रिहा किया जाए, और जब तक संजय सिंह जी रिहा नहीं हो जाएंगे जब तक हम अनशन पर इसी तरीके से शुक्रवार पर बैठेंगे, और भारत माता से गुहार करते हैं कि जिन्हें सुबुद्धि दे मोदी जी को, और ये सही काम करें। मोदी जी हमेशा विपक्ष को ख़त्म करना चाहते हैं, और आम आदमी पार्टी के 3 नेता इन्होंने इसी तरीके से बंद कर रखा है और छोड़ा नहीं जा रहा है, न कोई सबूत है न कोई साक्ष्य है, फर्जी तरीके से गिरफ्तार कर रखा है। अभी तो आप संजय सिंह जी के लिए बैठे हैं धरने पर, मुझे लगता है अभी केजरीवाल साहब के लिए भी ना कहीं बैठना पड़ेगा। जी, केजरीवाल जी के लिए नोटिस जारी किया गया था 3 तारीख के लिए पेश होने के लिए, और वो तो बाद में देखा जाएगा कि केजरीवाल जी को हो सकता है कि फर्जी तरीके से केजरीवाल जी की भी गिरफ्तारी करने की सोच रहे हैं ये लोग, और ये आप पूरी देश की जनता जानती भी है कि केजरीवाल को ये अंदर करेंगे। संगठन काफ़ी मजबूत है आपका? संगठन हमारा बहुत मजबूत है, हमारे साथ उत्तर प्रदेश में काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, अलीगढ़ से भी कम से कम 2 लाख के लगभग कार्यकर्ता हमारे हैं पार्टी के। दो लाख में कुल मुट्ठी भर लोग? वो जी मुट्ठी भर लोग आपको यहाँ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं जी। पर 2 लाख सदस्य हैं हमारी पार्टी के अलीगढ़ जिले में, सदस्यता 2 लाख की। अच्छा, हाँ। तो 2 लाख, एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, अभी पिछले दिनों एक कार्यक्रम हुआ था आपका जी, उसमें मंच को बैठने को लेकर इतना विवाद हुआ कि कार्यक्रम छोड़कर जो आपके कोऑर्डिनेटर वगैरह आए थे वो मैदान छोड़कर क्यों भागे, क्या कारण था उसके पीछे? उसके पीछे कारण ये था कि एक दिन पहले हमारी प्रदेश अध्यक्ष से मेरी बात हुई, एक होटल में ठहरे हुए थे, तो वहाँ मुझे जैसे पता लगा कि वहाँ निष्कासन व्यक्ति के मंच पर फ़ोटो लगाए जा रहे थे, आसपास फ़ोटो लगाए जा रहे थे, और उन्हीं के फ़ोटो लगाकर, निष्कासन व्यक्ति का फ़ोटो लगाकर हारे हुए व्यक्ति को जो पार्षद के चुनाव लड़े थे उनको प्रमाण पत्र बांटने की के लिए छपाए गए थे और बांटे जाते वो, तो इसको लेकर के मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी से कहा था, मैंने कि ऐसा ना हो निष्कासन व्यक्ति अगर मंच पर बैठेगा और वहाँ बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगेंगे और प्रमाण पत्र निष्कासन व्यक्ति बांटेगा और हम लोग देखेंगे तो ऐसा कौन सा सम्मान मिलेगा। जिले के जो पदाधिकारी हैं जो सभा में बैठे हुए हैं और निष्कासन व्यक्ति जो मंच पर बैठेंगे ये कौन सा सम्मान है, इसलिए मेरा कहना यह है कि निष्कासन व्यक्ति को मंच पर न बैठाया जाए। इसको लेकर के इन्होंने विरोध किया और माइक को तोड़ फोड़ दिया, तारें तोड़ दी माइक की। तो अब तो मामला शांत है? हाँ, मामला तो शांत है, पुलिस लाइन के ठीक सामने अलीगढ़ में। क्या लग रहा है आपका मैसेज दिल्ली के गलियारों तक पहुँचेगा? ये पूरे देश में जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश में हर जिले में प्रोग्राम हो रहा है और हर शुक्रवार को होगा। कब तक चलता रहेगा ये? जब तक चलता रहेगा जब तक संजय सिंह जी रिहा नहीं हो जाएंगे। अगर झूठे को कोई ये कह देता है कि संजय सिंह ने 2 करोड़ रुपये लिए हैं, 3 करोड़ रुपये उसने लिए हैं और फर्जी तरीके से बिना सबूत के गिरफ्तार कर लिया था, मेरा कहना यह है कि मैं कहता हूँ मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपये मुझसे लिए हैं, तो मोदी जी को गिरफ्तार करके दिखाई ईडी तो मैं जानूँ। देखिए, आप यहाँ पर मुश्किल से 20-25 लोग हैं और मोदी जी ने अनुशासनहीनता को लेकर
147 सांसदों को बाहर कर दिया, वो कुछ नहीं कर सके तो आपकी क्या बिसात जो कुछ कर सके? जी हमारे साथ जनता है देश की, और पूरे देश देख रहा है इस चीज़ को। और जो 2024 में चुनाव होगा, 24 के जो नतीजे आएंगे वो मोदी जी को बहुत देखने मिलेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे देखने मिलेंगे। जनवरी में मोदी जी की हार निश्चित होगी। 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य, लाखों करोड़ों लोगों की संख्या में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। मोदी जी ने तो बिल्कुल तय कर लिया है कि 2022-23-24 में जो चुनाव होगा उसमें धुआं उड़ा देंगे, और उसका परिणाम जनवरी 22 को जो राम मंदिर का भव्य शुरुआत हो रही है और वहाँ लाखों करोड़ों श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, मानिए बीजेपी की तय दोबारा पक्की। नहीं, ये मंदिर का भव्य जो है निर्माण हो रहा है वो ठीक है, पर मैं देख रहा हूँ कि ये बीजेपी की रैलियाँ हो रही हैं। 2024 के चुनाव की तैयारी चल रही है, जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कैसे बना सकते हैं? 500 साल पुराने मामलों को ख़त्म कर दिया और भगवान राम को सही स्थान पर बैठा दिया, कैसे कह सकते हैं आपके ये गलत हो रहा? नहीं, ये साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जब चुनाव आता है जब ये ऐसी योजना कहाँ से लेके आते हैं। ऐसी योजना लेके आते हैं कि मंदिर का वहाँ उद्घाटन हो रहा है, वहाँ मंदिर बनाया जा रहा है, और मंदिर के नाम पर जो है ये अवैध तरीके से चंदा भी इकट्ठा करते हैं और रैलियाँ भी निकालते हैं। बीच में चौधरी बलबीर सिंह जी हैं। चाचा पूरा नाम बताओ क्या है? बलबीर सिंह जी। जाट। हाँ, जाटों का तो घोर अपमान हो रहा है, उपराष्ट्रपति महोदय का काफी उनकी नकल उतार के उनका अपमान किया जा रहा है, क्या कहते हैं? हमें कहते हैं कि ये सरकार को गिराना किसी भी कीमत पे गिरा जाए, अपमान करके गिरा देंगे। अपमान ही हम करेंगे। हाँ बिल्कुल, निकाल ली बदाज, सिवाय तंग करने के अलावा, दुखी करने के अलावा ये सरकार और कुछ नहीं कर रही, झूठ बोलना और सुबह से शाम तक गलत ही काम करते रहते। अरे राम मंदिर का निर्माण करा दिया, कहाँ झूठ बोला? जो बोला राम मंदिर का निर्माण तो होना ही होना था, इन्होंने देखा राम मंदिर कहाँ है, करा दिया इन्होंने, क्या करा दिया? जम्मू कश्मीर का मामला निपटा दिया, वो कुछ नहीं निपटा, सब ऐसे ही चल रहा है, अभी दुनिया मर रही है बड़ा। और पुलिस में 3 साल नौकरी के लिए उम्र बढ़ा दी युवाओं की जो। हाँ, ये तो कुछ किया है थोड़ा बहुत। हाँ, इसके लिए तो खुश हैं लोग। तो इस बार वोट जो बीजेपी को जाएगा ना? वोट तो बीजेपी को नहीं जाना, चाहे ये फ्री में भर्ती कर ले, बच्चों को ले जाए, वोट नहीं जाना बीजेपी को। अरे चाचा कैसी बात कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति महोदय आपके समझ से? हाँ समझ से। कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं आपके लिए? कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ भी लड़ो, वोट नहीं जाना बीजेपी को। तो कौन नहीं देगा वोट? कोई ना दे, जाट तो देना। जाट नहीं देगा? एक भी ना। जाटों के लिए तो उन्होंने काफी काम किया है, किसानों के लिए नियम बनाए और काफी प्रसन्न है। किसानों को तो लूट लिया, 2,000 रुपये दे के और 40,000 रुपये ले रहा हमसे, फसल के रेटों में 2,000 रुपये देता है, 40,000 हमारे काटता है। जाटों के लिए अच्छा काम करा, इस बार वोट बीजेपी को ही देंगे? बीजेपी को तो वोट देने का मतलब ही नहीं है ना, जाटों के लिए कोई अच्छा काम किया इसने? जी बताइए क्या कह रहे हैं? जाटों के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया है, जाट कौम अब समझ चुकी है, क्योंकि जाटों के और किसानों के बच्चे आपको पता होगा आर्मी में जाते थे जाटों के साथ। अच्छा, जाटों को आज याद आ रही है, आप देखिए जाट पहलवान थी और उनको क्या क्या दशा कर दी सरकार ने, क्या किया आज तक सब जाटों के? नहीं, आज धनखड़ कह रहे हैं कि जाटों का अपमान हो रहा है, लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए। जब नहीं जाटों का अपमान हो रहा था, जब बेटियां पीटी जा रही थी, पुलिस के साथ धक्का मुक्की किया जा रहा था, उनको नीचे डाल के मारा जा रहा था, जब इनका अपमान नहीं हो रहा था जाटों का, आज जाटों के मसीहा बन के आज अपमान की बात कर रहे हो आप? जाटों का कोई अपमान नहीं, जाट समझ चुका है और इस सरकार के खिलाफ वोट करेगा 2024 में। जी सहमत है आप इनकी बात से? मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूँ, ये जाटों की विरोधी पार्टी है। चौधरी अजीत सिंह ने 2013 में जाटों को आरक्षण दिलवाया था और इसी सरकार ने 2015 में सरकार बनते ही सबसे पहला काम जाटों का आरक्षण खत्म करके किया था। आज वो बताइए अग्निवीर बना दिए गए हैं, 4-5 साल में अपने घर पे आ जाएंगे, तो जाटों के लिए क्या अच्छा किया है ये बता दीजिए मुझे आप। सबसे बड़ी बात है जाटों और किसानों के बच्चों की एक शादी तक नहीं हो रही है आज की डेट में। गांव में चले जाइए आप तो वो अग्निवीर हैं, उनके बच्चों की शादी भी नहीं हो रही है। तो ये जाटों की हितैषी तो कभी रही नहीं है सरकार। आज जगदीप धनखड़ जी सिर्फ और सिर्फ भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, वो उनको ना उपराष्ट्रपति पद की मर्यादा है, सिर्फ और सिर्फ वो भाजपा के प्रवक्ता बन के रह गए, क्योंकि मीडिया आज के पोजिशन में देश की सारी मीडिया भाजपा के प्रवक्ता बन के काम कर रही है। इस वजह से भाजपा के पत्रकार उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं कि ये जाटों की बात कर रहे हैं,
ये जाटों की बात कर रहे हैं, किसी का भी बात नहीं कर रहे हैं। अरे मित्र, इतना नाराज क्यों हो रहे हो? घर में कोई बच्चा शैतानी करता और एक अच्छा काम कर दे तो सब गलतियां बर्दाश्त है। भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण करा दिया गया, ठीक है गलतियां हो जाती। भगवान राम के नाम पर भी सरकार ने घोटाला किया। जब घर घर से चंदा इकट्ठा किया था तो हमारी पार्टी के कई नेताओं ने, हम गुमनाम दान करते हैं, हम नाम नहीं ओपन करेंगे, सबने कुछ ना कुछ सहयोग दिया था। परंतु जब इनसे हिसाब मांगा गया तो उसमें भी इन्होंने 2000 करोड़ से ऊपर का घोटाला कर दिया। अब जो भी हिसाब मांगे उसका हिसाब नहीं देते। ये राम मंदिर के भगवान राम के भी नहीं है। माता सीता मैया मेरे सपने में आई, वो बोली कि मेरे पति के नाम पर लूट लिया भाजपा ने। सिर्फ पति के नाम पर भाजपा लूट रही है भाजपा। भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है और हमें पूरे देश को खुशी है, लेकिन भगवान के जो चरित्र है, भगवान चरित्रवान थे, ऐसे कर्म भी तो करनी चाहिए भाजपा को, लेकिन कर्म नहीं करेंगे, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए राम का मंदिर बनाएंगे, इस तरीके का इनका काम है। रही बात इनकी, जो अभी तक ब्रजभूषण देखिए, ब्रजभूषण पे केस चला, ये नाम सुना हुआ लग रहा है, कौन है ब्रजभूषण? नाम सुना हुआ नहीं है, ये ऐसा ब्रजभूषण है जो अंदर हैवान है। इन्होंने जो पहलवानों ने उनके खिलाफ शिकायत की थी, आज तक ब्रजभूषण बाहर घूम रहा है ये। जब तक संजय सिंह रिहा नहीं हो जाएंगे, जब तक धरने पर बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे, अनशन पर बैठेंगे, उपवास पर बैठेंगे और पूरी तरह गुंडागर्दी पर आमादा है। क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता किसी उस पर ईडी या सीबीआई का जहाँ छापा नहीं हो रहा है? वो बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं सब। विपक्षी जितनी भी पार्टियाँ हैं सबको परेशान किया जा रहा है इलेक्शन में, इनको परेशान करके और ये सब नाटक किया जा रहा है। अब ये देखिए, संसद में 147 सांसद, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 147 सांसद संसद से ही बाहर निकाल दिए। तो अब चढ़ा लो फिर, विपक्षी जरूरत नहीं है तो क्या जरूरत? किस चीज़ का संकेत है ये? गुंडाई तानाशाही है, विपक्ष को खत्म करना है इनका उद्देश्य। तो क्या लग रहा है आपको, खत्म हो जाएगा? अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, लोकतंत्र जिंदा है, अभी संघर्ष करेंगे। धन्यवाद।